हे गुड गर्ल। गुड न्यूज़ ये कि सारे बच्चे ठीक है ना, बिल्कुल स्वस्थ है, माँ के साथ है ना। अब देखो ना, माँ भी क्रॉस ब्रीड है, फिर बच्चे एक चौथाई पिटबुल निकलेंगे है ना। तो अगर किसी को अडॉप्ट करना भी है तो फिर वो उनको 4 बच्चे अडॉप्ट करने चाहिए एक कंप्लीट पिटबुल के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, लोग अभी कॉल करना शुरू कर चुके हैं हम लोगों को अडॉप्शन के लिए लगातार है ना। बट 60 डेज के पहले हम माँ से अलग नहीं कर सकते बच्चों को। ब्रीडर्स की तो बात अलग है, उनको चिंता है नहीं, लेकिन हमें और आप लोगों को तो चिंता है, ऐसा हो जाता है ना। तो 60 डेज से पहले तो अलग नहीं कर रहे हम, और तब तक ये माँ के साथ ही रहेंगे ताकि आगे जाके भी इनकी इम्यूनिटी अच्छी डेवलप्ड रहे है ना, आगे जाके दिक्कतें ना आए। और माँ के साथ है तो यहाँ पर बेटर है। दिन में 3 टाइम फीडिंग हो रही है, अच्छी स्नैक्स दिए जाते हैं। अभी कोई भी मल्टीविटामिन शुरू नहीं किया गया है इसका, क्योंकि अभी इसे ज़रूरत भी नहीं है। बहुत प्यारी है पता है, मतलब अग्रेसिव नहीं है, मतलब पहले भी नहीं थी, बस अब थोड़ा सा रिलैक्स दिखने लग गई है। अगर तुम देखोगे ना तो थोड़ा सा काम है, उसको पता है कि इसको खाना मिल रहा है, आराम से सफाई हो रही है, इसके कैनल के अंदर बच्चे सेफ हैं। बहुत कोऑपरेटिव है, तंग नहीं करती बिल्कुल भी। ये गोभी है और इसको हमने गग्गल से रेस्क्यू किया था। इसका एक्सीडेंट की वजह से हाइंड लेग में ओपन फ्रैक्चर था, बहुत ज़्यादा बड़ा वोन था और ब्लीडिंग बहुत हो चुकी थी, लेकिन अच्छे से बोन जो है जॉइंट तो हो गई है, फॉल्स जॉइंट है ये, लेकिन एटलीस्ट इसका पैर बच गया है। फिजियोथेरेपी आगे होनी है, कैल्शियम सप्लीमेंट चलते रहेंगे कुछ दिन और, जो उसके केयर टेकर्स वहाँ कर सकते हैं। तो अब इसको रिलीज करेंगे। अच्छी जा रहे हैं, अच्छा आई एम सॉरी। अच्छी लड़की है तो, अच्छी लड़की है तो, अच्छी लड़की है तो। इधर आ तुम मेरे पास, आजा बच्चे, ओ बच्चे, ओ बच्चे। अब घर जाएंगे, अब घर जाएंगे। बेटू जी और राजा खुद कैनल में जाके बैठ गए। ए भागो यहाँ से। चला। आजादी पसंद नहीं है इनको, मुझे ऐसे लग रहा है। नानू यार ये तो बहुत सुंदर है, बहुत समझदार भी है, अपनी कटोरी से खेलेगी। सामने कोई भी चीज़ पड़ी होती है, हर किसी को ऐसे नहीं उठाती है, सूंघ के भी नहीं उठाती है, और ये चुपचाप बेड के नीचे जाके सो जाती है। इंडक्शन ऑन होते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। देखो इसके पीठ पे, तुम्हें नहीं लगता ये स्टार बन रहा है जैसे? ये स्टार का शेप तो कहीं से नहीं लग रहा। तो क्या शेप लग रहा है? ये एरो लग रहा है। बाकी ये हमारी बच्ची बड़ी साफ सुथरी रखती है अपने आप को, लड़की है ना। तो नहीं व्हाट इज वो, मतलब व्हाट इज दिस, लड़की है तो साफ सुथरी लड़की नहीं रह सकती साफ सुथरी। अच्छा तुमको कितना टाइम हो गया नहाए हुए? मैं रोज नहा रहा हूँ, ठीक है ना, रोज जिम जाता हूँ, जिम से आने के बाद नहाता हूँ सुबह। हाँ कैमरा इधर दे, मैं शक्ल दिखा रही हूँ तेरी कि तू जिम जा रहा है कि नहीं। वो तो मैटर नहीं करता ना, अब पे जा रहा हूँ 2-3 दिन हो गए। जब तेरे को दिखेगा तू सबको देख पाएगी ना। वो देख मेघा है सामने, बड़े नाखून है ना आपके, इसके कुछ भी कर दो ये खुश हो जाएगी। ऐसे ही तो दोस्त बनेगी। वो देखो बन गई दोस्त, क्योंकि दोस्त बनाए जाते हैं खरीदे नहीं। नानू 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 नानू। मेरे को उससे मिलना था, रसभरी। वो मेल है ना? नहीं फीमेल है। रसभरी फीमेल है। हाँ रसभरी फीमेल है। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मेल का नाम रसभरी रखते हैं। ये मेल है। सपना आपने रखा था, सपना का था। ये रसभरी। इसका पिनिंग का वही चक्कर पड़ा है, पिन ऊपर से निकला है। सर वो तो पॉसिबल था क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनकी पिनिंग सर्जरी होती है तो पिन थोड़ी सी लंबी रखी जाती है ना, क्योंकि वो ग्रोथ के साथ साथ वो महीना 1.5 महीना रखना होता है ना। वो एक्सपेक्टेड था। यस सर। पर फिर जो पस पड़ी वो तो सर क्लीन कर रहे हैं, एंटीबायोटिक चल रही है। तो मौसम का ही ऐसा चक्कर है। और वो इच भी करती है ना, तो उसको सॉक्स भी पहनाए थे, तो जब अभी जैसे निकला हुआ है सॉक्स इसका। ये भी क्या चाट रही है, चाट रहा है। ये तो अपना वो पहले पैर में, पैर से खुजली कर रही है, फिर उसी को साफ कर रही है। नाक कितनी क्यूट है इसकी, गाय जैसी। ये तो बिल्कुल अडॉप्ट हो जाएगी यार, इतनी सुंदर है ना शक्ल इसकी, इतनी सुंदर है, इतने तो कलर हैं इसके। और एक हमारा यार वो जो बैल आया जिसके कान में बहुत ज्यादा वो है, वो उधर है? नहीं वो यही है, सारंगी नाम है उसका। इसकी भी कंडीशन ठीक नहीं है सर, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा है, बहुत वीक एनिमल। देखिए फ्लूइड थेरेपी चल रही है, डायरिया लगा हुआ है इसको है ना, इसलिए ज्यादा फ्लूइड भी नहीं दे सकते ना, और हीमोग्लोबिन भी कम है। चलो मैं कह रहा हूँ बारिश में कम से कम, इतनी गंदी जब बारिश होती है ना, मुझे ये होता है कि चल भाई जिन जानवरों के सर पे छत है ना उतना भी हम कर देना। इतना तो आप भी कर सकते हो। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, आपके नेबर्स ऐसे गुंडे बदमाश नहीं हैं जो लड़ पड़ेंगे आपसे, तो आप इतना कर सकते हो भाई गैराज में, अपने किसी शेड में, पार्किंग में थोड़ी जगह दे दो भाई कुत्ते आके छुप जाएं, या कोई आपकी दुकान है जो भी बनी नहीं है वहाँ पे गाय आके रुक जाए, इतना तो। एक और हमारे यहाँ बैल आया था, आपको याद हो तो, हमने उसका नाम भी नहीं रखा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके यहाँ पे माथे पे बुलेट का छेद है, जबकि था नहीं वो बुलेट का, उसका कान तो गिर ही गया था वो, फिर बचा नहीं था, मतलब हम नाम भी नहीं रख पाए थे। और वो उसका क्या इन्फेक्शन ही ज़्यादा था सर, इंटरनली बहुत वीक था, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था, हीमोग्लोबिन बहुत डाउन था, प्लेटलेट्स बहुत डाउन थे, है ना, और हाइपोथर्मिक था बहुत ज़्यादा। नो बुज्जू, ये तो ठीक करके भेजे, इसका ये नहीं कि तू काटेगी हमें। चलिए मित्रवा, हो गया वे ना, कोई दिक्कत नहीं। तू गुस्सा क्यों कर रही है, क्यों कर रही है बच्चे? ये बूजी है, ये स्किन की दिक्कत के लिए आई थी, बहुत ब्लीडिंग थी, ऐसे बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी, ये बहुत ही स्केयर्ड है, डरती है औरों से, तो ये ऐसे काटने की कोशिश करती है, बट ऐसा नहीं है कि ये एग्रेसिव है, बट अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरों का ऐसे डराती है। पूरे साहिल के जैसे हो रही है, और देख तेरे और साहिल के कपड़े मैच है आज, है कि नहीं है? बिल्कुल तेरी तरह लग रहा है वो आज, पर उसकी तरह गंदी बच्ची नहीं बनना तूने, ठीक है? जा रहे हो ना आज आप घर अपने, जा रहे हो, और वहाँ पे ऐसी गंदी बातें नहीं करनी, किसी को भी डराने की कोशिश नहीं करनी, कोई नहीं मारेगा आपको। तो रिलीज कर रहा हूँ उसको, हाँ आज इसको रिलीज कर रहे हैं। जो इसका कॉलर है, मैंने उसको बता दिया है ना कि ऐसे ऐसे हम उनको सिर्फ वगैरह दे देंगे, वो देते रहेंगे। बूजी के घाव पूरी तरह ठीक हो गए, स्किन कंडीशन पहले से बहुत बेहतर हो गई, और इसकी बाकी की रिकवरी सड़क पे इसके रेस्क्यूअर की निगरानी में होती रहेगी। बाय बोल दो सबको, बाय बोल दो। इसमें क्या है सर? इसमें दो भारी चीजें हैं, एक तो सर्वो है। सर्वो बोले तो? तुम कॉलर माइक फिर नहीं लाए ना। सर्वो वो है जो वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए यूज होती है तो हमारा 3 फेज, पर वोल्टेज पूरी आती नहीं गई, क्रेन अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उतार के इसी पे लेवल रखेंगे और इसकी मदद से नीचे कर देंगे। बस समझता है, बस 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 बस, जुगाड़ वाला स्टाइल हो गया। पर सही है, वो क्रेन नहीं है तो क्या करें, हमने वैसे देखो गाय के लिए लिफ्ट लगाई थी, गाय के काम में आ रही है। तो सर इससे गाँव की वोल्टेज कम होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी? एक हद तक, मतलब एक हद के नीचे फिर तो कुछ नहीं कर सकते, पर एक हद तक सर्वो जो है पूरी वोल्टेज देगा आगे। अब ये जो घास काटने वाली हमने मशीन मंगाई है ना, इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं ज़्यादा, तो इसमें हाथ हूथ कटने का, मतलब कोई बेवकूफ़ी करे उसका भी चांस कम है। यहाँ जहाँ घास जा रही है वहाँ भी कोई खींचने का खतरा नहीं है, हाथ का सेफ है। मेन हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है सेफ्टी पे।